इसी तरीके से एक वक्त कबूलियत दुआ के अवकात में से, एक वक्त रात के अवकात में से भी पाया जाता है। यानी एक घड़ी रात में, वो मालूम नहीं है कि वो घड़ी कब है। रात की घड़ियों में से एक घड़ी ऐसी है कि अगर वो घड़ी बंदे को मिल जाए, वो वक्त बंदे को हासिल हो जाए, और उस वक्त में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। सही मुस्लिम की रिवायत है, 757 नंबर की हदीस, इन्न फिल्लैलि सा'अतन ला युवाफिकुहा मुस्लिम यसअलुल्लाह खैरन मिन अम्र दुनिया वल आखिरा इल्ला अअताहु इय्याह वज़ालिका कुल्ल लैला। रात की घड़ियों में से एक घड़ी ऐसी है कि अगर किसी मुसलमान शख्स को हासिल हो जाए, मिल जाए, यसअलुल्लाह खैरन मिन अम्र दुनिया वल आखिरा, वो दुनिया और आखिरत की भलाई और खैर अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांग रहा हो, इल्ला अअताहु इय्याह, पर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे ज़रूर अता फरमाता है, वज़ालिका कुल्ल लैला, और ये घड़ी हर रात में आती है और हर मुस्लिम को वो घड़ी नसीब होती है अगर वो मिल जाए और दुआ करे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल फरमाता है।